आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य करने वाली है। बता दें, सरकार की योजना जिला संयोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं को पोर्टल में रजिस्टर्ड कर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से अलग अलग ऑफिसों में नियुक्ति देने की है। जिला संयोजन अधिकारी टीरी विनायक श्रीवास्तव ने यूके लाइव से बातचीत में बताया कि 2 नवंबर से अधिकारियों की बैठक ली जानी है, जिसमें ट्रेनिंग सत्र चलाया जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। टीम यूके लाइव। एक्चुअली जो है, ये जिस तरीके से विभिन्न विभाग अब जेम पोर्टल के माध्यम से अपनी गुड्स या अन्य सर्विसेज संबंधी आवश्यकताएं पूर्त करते हैं, उसी प्रकार आउटसोर्सिंग को भी ई मार्केट यानी भारत सरकार के जेम मार्केट प्लेस के माध्यम से पूरा किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देशों सहित शासनादेश निर्गत हुआ है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को जेम पोर्टल के माध्यम से अपने विभाग में जो रिक्तियां हैं वो जेम पोर्टल पर उनको डालेंगे और उनके सापेक्ष जो इच्छुक नियोजक या सेवा प्रदाता हैं वो अपना एप्लीकेशन देंगे और उन सेवा प्रदाताओं में से जिनका ऑफर सबसे उचित और जिनकी सेवा शर्तें अच्छी होंगी उनको विभागीय अधिकारियों के द्वारा चयनित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो डाटा यूज़ होगा वो सेवा योजन विभाग का ही होगा, क्योंकि जो बच्चे विभिन्न सेवा योजन कार्यालयों में उत्तराखंड राज्य के पंजीकृत हैं, विभिन्न अभ्यर्थी विभिन्न पदों के सापेक्ष जैसी उनकी योग्यता है NIC के द्वारा विकसित किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे। कब तक ये योजना फलीभूत हो जाएगी? जो है ये योजना बहुत निकट भविष्य में आरंभ हो जाएगी। अभी विभिन्न जनपदों में कार्यशालाएं आरंभ की गई हैं, वर्कशॉप्स के माध्यम से विभिन्न विभागीय अधिकारियों को सेंसिटाइज किया जा रहा है। जनपद टिहरी में भी 2 नवंबर 2023 को एक वर्कशॉप प्रस्तावित है। इसके संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेने जा रहे हैं और निदेशक सेवा योजन महोदय सर के ओर से निर्देश आए हैं कि 2 नवंबर को जनपद टिहरी में गूगल मीट के माध्यम से समस्त कार्यालय अध्यक्षों और जनपद स्तरीय अधिकारियों की वर्कशॉप करा ली जाए।